आखिरकार यह है चाहत है कि अर्जुन ने अपनी पत्नी काशवी को अलमारी में जगह दे ही दी। और इसका यह मतलब नहीं कि काशवी अब अलमारी में रहेगी, इसका मतलब यह है कि उसने अपनी अलमारी में काशवी के कपड़ों के लिए जगह कर दी। अच्छी बात है ना, अपनी चीजें शेयर करनी चाहिए और वो भी पत्नी के साथ, तो बिल्कुल करनी चाहिए। पहला कदम दोस्ती का होता है और अर्जुन काशवी की दोस्ती कितनी गहरी है इससे तो हम सब वाकिफ है। तो अब लगता है कि ये दोस्ती जल्द ही प्यार में तब्दील हो जाएगी। अर्जुन ही खुद अच्छे आपने कपड़े, मुझे तो अपनी आज अर्जुन ने काशवी को अपनी अलमारी में जगह दी है और ऐसे ही धीरे धीरे करके अर्जुन अपने दिल में काशवी को अपने पत्नी का दर्जा भी दे देगा। लोग अपने दिल में थोड़ी जगह नहीं दे पाते, मैंने तो अपने कमरे में, अपने वार्डरोब में हर जगह इस लड़की को जगह दे दी, जबकि मेरी कोई चाहत भी नहीं थी इसे जगह देने की, शादी करने की। तो जो हो गया। अर्जुन इतना बड़ा हो गया लेकिन अभी कितना यूजलेस है, हर छोटी छोटी चीज़ पे दूसरों पे डिपेंड करता है। और काशवी सो नाइस कि वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, वो एक्चुअल में इंडिपेंडेंट है और अर्जुन इज अ बेबी, इज अ बिग एडल्ट बेबी। ठीक है, मैं इतना सुन के खुश हो गया हूँ दैट शी इज कॉल्ड मी बेबी। लेकिन ये सब तो आने वाले दिनों में देखने मिलेगा, फिलहाल तो आप इनकी इस खट्टी मीठी नोकझोंक का ही मजा लीजिए। खट्टी मीठी नहीं है हमारी, जो भी है खट्टी और तीखी है, मीठा इसके बाद कुछ पॉसिबल थोड़ी है। तो तुम्हारे पे भी है ना वो, तो फिर मैं खट्टा हूँ और चीज़ है तीखा हूँ, हम बेटर है ना। अरे बहुत सारी नोकझोंक, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा एंटरटेनमेंट, यही हमारी चाहते हैं। एक तरफ अर्जुन और काशवी का रिश्ता बन रहा है तो वही दूसरी ओर सम्राट और नित्या का रिश्ता बिगड़ रहा है, और ये सब सम्राट की उस प्रॉपर्टी पर कंकाल मिलने की वजह से हो रहा है। इनकी इस बहस के बीच काशवी आ जाती है अपनी सासू माँ के लिए छोले भटूरे का डब्बा लेकर। मैंने छोले भटूरे बनाया है, वो तो बेचारी इस बात से अनजान है कि नित्या और सम्राट के बीच माहौल गंभीर है, वो तो बस एक अच्छी बहू होने का फर्ज निभा रही है। सो बेसिकली मुझे इसके साथ में क्लास के लिए जाना होता है लेकिन बुआ रोक लेती हैं, तो वो कहते हैं कि तुम खाना बनाओ, तो वो भी अच्छे से अभी बिकॉज ऑफ यू आई वाज गोना से दैट ओनली छोले भटूरे लेके जाती है एंड वो उधर चल रहा होता है कुछ बहुत ही सीरियस कॉन्वर्सेशन, बट उसको पता नहीं चलता क्या बात चल रही है, तो उसको ऐसे टरका देते कि हम तो पॉलिटिक्स की बात कर रहे थे। अब घर की बहू है तो पहले तो घर वालों के लिए खाना वाना बनाना पड़ेगा। तुम पे इतना ऐसी बुआ जी कह रही थी, सो स्मार्ट, लाइक सीरियसली सो स्मार्ट। नहीं आप लोग, यू ऑल सी द, आप लोग एपिसोड देखेंगे आपको, या बट लाइक द नाइस सेव, और मैं तो मना भी कर रहा था, नाइस सेव, मैं तो कह भी रहा था चलो मेरे साथ, पर फिर इनके अंदर की सती सावित्री जाग उठी कि नहीं अर्जुन तुम जाओ, मैं अपने ससुराल वालों के लिए खाना बनाऊंगी, छोले भटूरे बनाऊंगी। द रीजन यू आर फेल्ट वेल फेड इज बिकॉज़ आई कुक्ड। अब तो कहानी में तब मजा आएगा जब अर्जुन काशवी के रिश्ते में नजदीकियां बढ़ेगी और उसी दौरान नित्या का राज सबके सामने आ जाएगा। तो तब तक के लिए आप अर्जुन और काशवी की इस प्यारी नोकझोंक का मजा लीजिए। मुंबई से कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ABP News, आपको रखे आगे।